हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं दोस्तों डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग जो है इसे रेगुलर देख रहे होंगे, रेगुलर शेयर कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि किसी को भी जो है किसी भी एग्जाम, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्म कर सके, साथ में आपकी डे बाय डे जो नॉलेज है वो भी इंप्रूव होती रह सके। और आप लोग जो है किसी भी फील्ड में अगर कहीं पर भी कुछ भी काम करते हो तो वहां पर भी जो है आपको काफी चीजें सीखने को मिले। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहां पे बिल्कुल आज फिक्स्ड 7 बजे एक क्लास है जो कि स्टार्ट करी गई है ना, तो काफी बच्चों को यकीन नहीं होगा, कैफे में सारे बच्चे 7:10 पे आएंगे, जब तक 10 मिनट का सेशन है जो कि निकल चुका होगा। एक्चुअली न्यूज़पेपर जो है वो 7:05 तक ही स्टार्ट कर पाएंगे, तब तक तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे हैं जो कि जरूर आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। नॉर्मली जो अपनी क्लास है सुबह 7 बजे वाली 7:10 तक है जो कि स्टार्ट होती है, तो आज 28 सितंबर है, सुबह के 7 बज चुके हैं और फिक्स्ड 7 बजे एक क्लास है जो कि हमने स्टार्ट करी है। आज के इस सेशन के अंदर आपको 5 से 6 आपको दैनिक में से आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस में से, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से 2 से 3, जनसत्ता में 0 है और बाकी 4 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन है जो कि कवर कर लेते हैं। कल मैंने आपसे कुछ सवाल है जो कि पूछा था, चंदन ने बोल दिया है ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर। ऑलराइट, थैंक यू चंदन। तो सबसे पहले फर्स्ट कंट्री सदर्न अफ्रीका का जिसने ट्रैकोमा को जो है वो एलिमिनेट किया, बताइए ट्रैकोमा को एलिमिनेट करने वाला सदर्न अफ्रीकन कौन सी है कंट्री? मलावी दोस्तों कंट्री, वैसे तो फोर्थ है और वैसे फर्स्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अंबेडकर सर्किट को लेकर, प्रपोज्ड अंबेडकर सर्किट में दोस्तों कौन सा भूमि है जो कि नहीं है इसके अंदर से, तो यहां पे शांति भूमि दोस्तों इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट था बेटी रोटी। ये देखो बेटी रोटी जो इनिशिएटिव होता है ना, ये क्या होता है, जो अपने इंडिया नेपाल के तराई रीजन वाला जो एरिया है ना, वहां पर आपस में काफी अच्छे रिलेशनशिप है, जैसे कि इंडियन जो महिलाएं हैं उनकी काफी शादी होती है नेपाली पुरुष से, है ना, तो वहां पे सिटीजनशिप को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग इतने साल तक सिटीजनशिप नहीं देंगे, तो उसको लेकर इश्यूज है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया था। तो बेटी रोटी का मतलब होता है नेपाली मैन जब शादी करते हैं इंडियन वुमेन से, उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है गाइस, चलिए और नेक्स्ट है फर्स्ट पर्सन जिसने इंडियन फ्लैग होस्ट किया जर्मनी के अंदर, तो आप सभी को मालूम है मैडम भिकाजी कामा के द्वारा दोस्तों ये होस्ट है जो कि किया गया था। इसके अलावा इंडिया और कैरिकॉम, कैरिकॉम का मतलब कौन से कंट्री होते हैं, इंडियन कैरेबियन, जो कैरेबियन कंट्रीज है, है ना, वो सारे कंट्रीज है। तो दोनों के बीच में दोस्तों रिसेंटली पैक्ट हुआ और दोनों ने बोला कि हम लोग फूड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, तो आपका यहां पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके पास सवाल थे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप करंट अफेयर बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर कैप्सूल बैच में 1 साल का करंट अफेयर है जो कि मैं अक्टूबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करवा रहा हूं। आपके एसएससी, एफसीआई, बैंक, स्टेट के पीसीएस एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है आप उनसे पूछिएगा जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो कितना अमेजिंग है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो यहां पे आज जो है, आज क्लास नहीं है, आज ऑफ है क्लास का, कल आपकी यहां पे फोर्थ क्लास होगी, कल सुबह 11 बजे आपकी फोर्थ क्लास होगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, 1000 के आसपास क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, वीकली टेस्ट, प्रिंटेबल नोट, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। साथ में सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए और एफसीआई की प्रिपरेशन के लिए भूमिपुत्र और साथ में ब्रह्मास्त्र बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जहां पर इंडिया के सारे टॉप एसएससी एजुकेटर्स आपको मात्र और मात्र 2000 रुपए के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन है जो की करा रहे हैं। आपको यहाँ पे दोस्तों क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अपना गोल एसएससी सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ब्रह्मास्त्र बैच जो कि मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे बाय नाउ करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के कोट ऑफ द डे के बारे में बात करें तो फेलियर डजंट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस, है ना। देखो फेलियर जब आता है ना तब अक्सर ऐसा लगता है कि बस हमारा तो गेम ओवर हो गया, हमसे तो होगा ही नहीं ये वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। फेलियर होने का मतलब ये होता है कि चलो ठीक है आपको एक और बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन जब आप अगली बार ट्राई करोगे तो बेटर इक्विपमेंट के साथ में, यानी कि बेटर एक्सपीरियंस के साथ में जो कि फाइट करोगे, चाहे आपका कोई एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे कोई आपका स्पोर्ट्स का इवेंट हो, है ना, चाहे कोई सा भी इवेंट हो, आपको वक्त के साथ में आप सोचिए अपने आप को, जो 5 साल पहले जो आप थे और आज जो आप 5 साल बाद हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है आपने लाइफ में अपना करियर अभी तक फिगर आउट नहीं किया हो आपको क्या करना है। वैसे तो हर एक बच्चा स्पेशल होता है, हर एक बच्चे के पास में कैपेबिलिटीज होती है, बस हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन किस में अच्छा है और ये हिम्मत नहीं होती है उस चीज को परस्यू करने की। लेकिन जो भी है, लेकिन आपने ये तो देखा ही होगा कि 5 साल पहले और अब में आपके खुद के कैरेक्टर के अंदर, बिहेवियर में, आपके सोच समझ में बहुत चेंज आया होगा, बहुत चीजें आपने सीखी होगी, तो इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। आपने बाकी पॉइंट इंप्रूव करे हैं, अभी करियर की बात है तो वो भी इंप्रूव हो जाएगा ओवर द टाइम, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत, ये आपको करनी होती है।
ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। तो दैनिक का फ्रंट पेज देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों गहलोत और सेंट्रल जो कांग्रेस की पार्टी है उनके बीच में डिस्कशन चल रहा है, कौन सीएम कौन प्रेसिडेंट है जो कि बनेगा। गहलोत साहब ने अभी तक दोस्तों कोई भी नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के लिए नहीं भरा है कांग्रेस के, तो लगता है कि वो सीएम ही बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, प्रेसिडेंट शायद नहीं बनेंगे। और यहाँ पे दो फॉर्म भरे, शशि थरूर ने भरा और एक पार्टी ट्रेजरर है पवन बंसल, इन दोनों के द्वारा अभी तक जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया गया है। दोनों ही जो है वो कांग्रेस को बदलने में कुछ खास रोल प्ले नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। यहाँ पे शिवसेना, रियल शिवसेना कौन सी है, जो शिंदे साहब की जो 3/4 लोग वो लेके चले गए थे वो वाली है या उद्धव ठाकरे वाली है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है अपने दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का दोस्तों आशा पारेख को दोस्तों मिला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो हमारी एयरफोर्स है ना उसके फाइटर जेट्स के साथ में जो एक्रोबेटिक्स करते हैं, जो ऐसे ऊपर नीचे कलर्स फेंकना एकदम पास से निकलना है ना, तो ये एक्रोबेटिक्स जो होता है ना उसके हमारी टीम है, उसको बोलते हैं सूर्य किरण, ये हमारे सूर्य किरण की टीम का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों आसाम के एनिवर्सरी पे ये इस तरीके से इन्होंने काफी कर्तव्य जो कि दिखाए। यहाँ पे गवर्नमेंट दोस्तों ग्राउंड वाटर लेवल को ऐप के माध्यम से चेक करेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पानी जमीन से और जमीन में और उसके भी जमीन में जो है वो चला गया है। आजकल आपने देखे होंगे कि कुएं हुए जो है वो काफी कम हो गए हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम को बताया गया। और यहाँ पे सेंट्रल और दिल्ली का डिस्प्यूट है जो कि हमेशा की तरह है, तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है। हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट है ये दो आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पे है। सबसे पहले तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, आप सभी को मालूम है दोस्तों सबसे बिगेस्ट अवार्ड जो हमारे सिनेमा का है वो हमारे दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ओके गाइज, सबसे पहली पिक्चर दादा साहब फाल्के के द्वारा ही जो है बाबा हरिश्चंद्र है जो कि हमारे इंडिया में बनाई गई थी। और ब्रिटिशर्स के आगे पीछे जो है जब ये छोटे बच्चे थे ना तभी इनको पता लग गया था कि दादा साहब फाल्के को कि मुझे मूवीज बहुत पसंद है, सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद है। तो है ना, ब्रिटिशर्स पहली बार मूविंग फिल्म लेके आए थे 1 या 2 मिनट की, तो पीछे पीछे घुमा करते थे दादा साहब फाल्के ब्रिटिशर्स के। ये बात नोटिस करी किसने, राजा रवि वर्मा ने, जो ग्रेट पेंटर थे हमारे इंडिया के, उन्होंने। तो उन्होंने जब अपने वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो रहे थे, मशीनें बेच दी थी, थोड़ा बहुत पैसा उनको मिला था, उसमें से कुछ पैसा उन्होंने दादा साहब फाल्के को दिया था कि वो आगे अपने करियर में जो है सिनेमेटोग्राफी को, फिल्म प्रोडक्शन को, इसको परस्यू करे अपने करियर के तौर पर। उनको थोड़ा पैसा मिला था, बाबा अपने दादा साहब फाल्के आगे चल पड़े और करते करते दोस्तों देश की पहली मूवी जो है वो इन्हीं के द्वारा दी गई, उन्हीं के नाम पे दोस्तों देश का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म का दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करता है अपने पिछले 50 सालों के अंदर भारतीय सिनेमा में, उनको दोस्तों ये अवार्ड जो कि मिलता है। भारतीय सिनेमा का मतलब दोस्तों चाहे नॉर्थ इंडिया का सिनेमा हो, साउथ इंडिया का हो, टॉलीवुड बॉलीवुड कोई सा भी हो, इट इज मोर बेटर टू कॉल ए इंडियन सिनेमा रेदर देन टॉलीवुड और बॉलीवुड, मतलब है ना, तो ये होना चाहिए। आजकल एक कल्चर चल पड़ा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ, ये नहीं होना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट इंडियन सिनेमा। चाहे लोकल लैंग्वेजेस में भी कोई मराठी मूवी बन रही है, इट इज बेटर टू कॉल इट ए इंडियन सिनेमा। ओके, तो ये आशा पारेख जी का अनाउंसमेंट है, जो कि दोस्तों इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके अभी कौन है, अनुराग ठाकुर दोस्तों यहां पे है। तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा करी गई और सेरेमनी अभी 30 सितंबर को होगी। मतलब एक्चुअली क्या, बहुत ही पीछे चलता है थोड़ा ये, जैसे कि 2020 के अवार्ड मिले हैं, 2022 के अंदर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट है जो कि चलता है। ठीक है, यहां पे आशा पारेख के बारे में बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, बहुत ही फेमस वेटरन एक्टर है दोस्तों। और इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही, जब ये बहुत ही चाइल्ड एक्टर थी ना, तब से ही मूवी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अभी तो 79 एज की है, 1952 में पहली मूवी इन्होंने करी थी आसमां नाम से, है ना, बिमल रॉय की बाप बेटी नाम की मूवी थी, उसमें 2 साल बाद काम किया। 1959 में पहली एज एक्ट्रेस के तौर पर दिल देके देखो शम्मी कपूर के साथ में दोस्तों इन्होंने रोल किया। उसके बाद में 100 के आसपास टोटल मूवीज है जो कि कर चुके हैं, उसके अलावा पद्मश्री मिल चुका है, 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की हेड है जो कि रह चुकी है 1998 से लेकर 2001 के बीच में, है ना, तो काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि इनका अपनी जर्नी के अंदर है जो कि रहा है, तो अपनी प्रेजेंट है जो कि इनको ये अवार्ड देने वाली है। उसके बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रही कई सारी, एक टीवी ड्रामा था कोरा कागज 90s के टाइम पे, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया। ओके, अभी जो 5 मेंबर थे जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिलेगा, जिसमें आशा भोसले थी, हेमा मालिनी थी, पूनम ढिल्लन फिल्म मेकर, नागा भरना और उदित नारायण, ये 5 लोग थे जिनकी कमेटी ने ये मिलकर डिसाइड किया है दोस्तों। इससे पहले अवार्ड अभी कुछ टाइम पहले अमिताभ बच्चन, अपने रजनीकांत साहब, विनोद खन्ना, इन सबको भी दोस्तों दिया गया था। ठीक है गाइस, साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 की बात करें तो जो बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो एक तमिल पिक्चर थी दोस्तों, जिसका नाम था सोराराई, और हिंदी फिल्म के अंदर कौन सी, तानाजी मूवी है। सोराराई दोस्तों अपने डेक्कन एक एयरलाइंस है
डेकन एयरलाइंस के फाउंडर थे जी आर गोपीनाथ, उनकी लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। तानाजी आपको मालूम है दोस्तों, मराठा वॉरियर थे अपने, उनके ऊपर बनाई गई थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दोनों ही एक्टर को मिला था, तानाजी के अजय देवगन और साथ में सूर्या करके जो उनके एक्टर है। और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जो है वो अर्पणा को मिला था सोराराई मूवी के लिए। तो आप देख सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करता है उनको मिलता है स्वर्ण कमल, इसके अंदर 10 लाख रुपए का प्राइज होता है। 1969 में दोस्तों पहली बार मिला, जो कि देविका रानी को दोस्तों मिला था फर्स्ट टाइम। और आप ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों आपके दादा साहब फाल्के, बहुत ही फेमस, फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा हम इनको कहते हैं, है ना। पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में इन्हीं के द्वारा बनाई गई। उसके बाद में फिर आलमगीर और भी कई सारी मूवीज है जो की आई थी। ये 16 में विश्वनाथ जी को, 17 में विनोद खन्ना जी, 18 में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और लास्ट 2020 में आशा पारेख को दोस्तों इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं जो कि है हमारे ग्राउंड वाटर को लेकर। देखो हमारे यहाँ पे है ना, दुनिया के 16% तो पॉपुलेशन है, लेकिन दुनिया का पानी हमारे पास मात्र 4% ही है। उसमें भी आप ये बोलोगे कि दो बार नहाना है मुझे, ठीक है, पानी मुझे वेस्ट करना, तो कैसे काम चलेगा। दिल्ली के अंदर होता है ये नॉर्मल, दिल्ली में ऐसा होता है कि जब कहीं रुकते हो ना किसी फ्लैट के अंदर, पीजी में पर तैयारी कर रहे होते हो, दो वक्त दो टाइम नहाने का भी अलाव नहीं होता यार, मतलब पानी की इतनी किल्लत है। अब तो पता नहीं कर क्या हालत है, मेरे टाइम के तो बहुत ही इश्यूज थे पानी के। और जब गर्मी पड़ेगी तभी तो बिजली जाएगी, जब गर्मी पड़ेगी तभी नहाने की, तो तब भी नहाना अलाउ नहीं होगा, इतनी पानी की किल्लत देखने को मिलती है। तो ओके, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन यस डेफिनेटली वी शुड हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट हाउ वी हैव टू यूज द वाटर। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर ये उतना ही काम में लो जितने की आपको जरूरत है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बाकी छोड़ दो ताकि आगे वाले लोगों को वो अवेलेबल हो जाए। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है हमारा वाटर टेबल, जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए दोस्तों एक नई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है, क्या नाम है, जलदूत, ठीक है, जलदूत जॉइंटली डेवलप किया गया है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मिनिस्टर के द्वारा। और ये क्या करेंगे, इसमें ग्राउंड वाटर जो है वो मॉनिटर करेंगे हर एक जगह पे। ओके, रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है उनका नाम है फागन सिंह, उनकी प्रेजेंस के अंदर जो है ये इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें जितने भी ओपन वेल है गांव के अंदर, जितने भी कुएं हैं, उन सबकी फोटो लगा के जियो टैग करके इस तरीके से जो है ये पता किया जाएगा। अगर आप देखोगे जहां 3 ऐसे राज्य जहां पे पानी का लेवल अप हुआ है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया ग्राउंड वाटर के अंदर, वो है दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3 राज्य जिन्होंने सबसे घटिया काम किया ग्राउंड वाटर के ऊपर, वो है दोस्तों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, जहां पे धीरे धीरे पानी जो है वो नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। साल में 2 बार जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा पानी का लेवल। 54% दोस्तों हम लोग जो है हाई एक्सट्रीमली वाटर क्राइसिस से जो है वो गुजर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है ना पूरा इंडिया का, वो पूरे क्राइसिस से गुजर रहा है। ओके, तो सब जगह पे वाटर स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं 2003 से 2013 तक के बीच में बात करूं तो जितने भी कुएं को हमने एक्सेस किया, तो वहां पे अगर आप तो नियर बाय 10,000 ऐसे वेल थे जिनको ऊपर हमने काम किया, समझ गए। और कंपेरिजन अगर आप करोगे तो धीरे धीरे दोस्तों ये क्या होते चले गए, कम होते चले गए। आप देख सकते हो 5,500 से 4,500 हो गए, है ना। 70 के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिला, बाकी के अंदर चेंज है जो कि देखने को मिला। तो जहां मैक्सिमम कुओं में पानी का डिप देखने को मिला वो तमिलनाडु, पंजाब, केरला, कर्नाटका, ये सारे राज्य हैं। जहां पे राइज देखने को मिला पानी के कुओं के अंदर, वो है आपके दादर नगर हवेली, अरुणाचल, JNK, है ना। तो हम लोग दोस्तों ऐसे कंट्री जहां पे 18% के आसपास, 16 से 18% पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेकिन पानी मात्र और मात्र 4% ही है हमारे पास में। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की जो वाटर है दोस्तों, है ना, वो 1949 से लेकर अगर मैं बात करूं 2011 तक, वो काफी कम हो गया है। 1947 के अंदर दोस्तों हमारे पास में पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी था वाटर, वो कितना था, 6402 क्यूबिक मीटर। अभी गिर के कितना हो गया 2011 तक अगर मैं बात करूं तो 1545 क्यूबिक मीटर, समझ रहे हो। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डाउनफॉल है जो कि देखने को मिला है, ठीक है गाइस। अभी और अगर हम लोग 2021 या 22 में आएंगे तो ये 1500 से भी नीचे की तरफ जो है वो जाता हुआ मिल जाएगा। 2050 तक एक्सपेक्टेड है कि ये 1100 क्यूबिक मीटर तक है जो कि आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो ये मैंने आपको बताया दिया कि सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर का अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये कम होता जा रहा है। देखिए पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो पानी की है ना, वो 2025 के अंदर तो कितनी, 1340 क्यूबिक मीटर तक है जो कि पहुंच जाएगी।
एक ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर कोई शहर में रहता है तो उसको 100 लीटर पर डे पानी है जो कि चाहिए होता है। अगर कोई गांव में रहता है तो नियर बाय 60 लीटर पर डे एक पर्सन को पानी की रिक्वायरमेंट है जो कि होती है। अब इतनी सप्लाई करने के लिए दोस्तों हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। साउंड इको हो रहा है, इको तो यार कैसे हो रहा होगा यार, आवाज वाज सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल की क्लास में भी पता नहीं मेरे लैपटॉप में या फिर मेरे जो ये मोबाइल फोन है उसमें तो आवाज आ रही थी इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अभी भी देखो सुनाता हूं आपको, एकदम परफेक्टली परफेक्ट आ रही है। चलिए ठीक है, तो मेजर थ्रेट जो है दोस्तों क्या है हमारे ग्राउंड वाटर को आज के टाइम पे, और एक तो क्या कि रिवर्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर हम लोग बनाते जा रहे हैं, जैसे कि डैम्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गए, वाटर जो निकालना रिवर्स में से बहुत ज्यादा हो गया है, पॉल्यूशन एक मेजर रीजन है, तो हमें थोड़ा मिनिमाइज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम के, छोटे डैम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेटर अडॉप्ट करने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मिहिर शाह करके एक दोस्तों कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने इसके ऊपर सेंट्रल वाटर कमीशन को के साथ में मिलकर यहाँ पे कई सारे रिकमेंडेशन है जो कि दी थी। तो मिहिर शाह कमेटी आपको ध्यान रखना है, ग्राउंड वाटर के ऊपर दोस्तों ये नाम आपसे पेपर में पूछेंगे, समझ गए। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर की डिमांड बढ़ रही है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन है जो कि हम लोग वाटर का कर रहे हैं, ये तीन मेजर कारण है दोस्तों, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से पानी का ग्लास जो है दोस्तों वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो हमें सस्टेनेबल यूज करना बहुत ही जरूरी है मतलब। ऑलराइट, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों कहां पे, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यहां पे सबसे बेटर कंडीशंस है वो है तमिलनाडु, यूपी के अंदर भी ठीक है थोड़ा, गुजरात है ना, और एमपी, महाराष्ट्र, ये सब। चलिए आगे बात करते हैं, आज है दोस्तों 28 सितंबर, और आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों आज हमारे शहीद दोस्तों भगत सिंह का बर्थडे है, ठीक है गाइस। तो 28 तारीख को दोस्तों हम लोग शहीद भगत सिंह का बर्थ एनिवर्सरी है जो कि आती है, तो हमारे देश के ग्रेट रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर, और जिनके बलिदान से मतलब हर एक यूथ है जो कि इंस्पायर होता है, देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, मात्र 23 साल की उम्र के अंदर मतलब देश के लिए इतना कर जाना सोचने से भी मतलब परे है, मतलब समझ रहे हो, जब हम लोग यार सोचो आप लोग जब 18, 20, 21 साल की उम्र में थे, 22 साल की उम्र में थे, क्या कर रहे थे यार, है ना, क्या कर रहे थे, मतलब है ना, अपनी क्लास की कोई गर्लफ्रेंड देख रहे थे व्हाट्सएप पे, इधर उधर पता नहीं क्या क्या और एक तरफ अगर आप देखोगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हमारे उस टाइम के लीडर, मतलब हमारे इतने सारे जो उस टाइम पे रिवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्होंने इतनी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा काम किया, मतलब सोच कैसा लगता है कि यार हमने तो हमारा टाइम ही वेस्ट कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा है ना, अदरवाइज हम लोग बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते थे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, और ठीक है, प्रेजेंट डे 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर उनको जो है वो हैंग किया गया, 23 साल की उम्र थी उनकी मात्र, है ना। और मॉन्यूमेंट्स जो है वो हुसैन वाला नेशनल मार्टियर एक मेमोरियल हमने बना रखा है, शहीद आजम उनको हम लोग कहते हैं। नौजीवन भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दो पार्ट ऑर्गेनाइजेशन से दोस्तों वो जुड़े हुए थे, ठीक है गाइस। इसके अलावा बात करें इनकी एक बहुत ही फेमस किताब है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये दोस्तों एथिस्ट थे, भगवान भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो मर्डर, जॉन सॉन्डर्स के मर्डर के चार्जेस थे, कैपिटल पनिशमेंट इनको मिला हुआ था, ठीक है गाइस। चलिए, पेरेंट्स का नाम था किशन सिंह और विंध्यावती कौर। चलिए, यहां इनके द्वारा बहुत ही कुछ अच्छी ऐसी बातें हैं जो कि बोली गई है, मतलब जो कि हमेशा पूरी दुनिया के यूथ के लिए जो है बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे आप देख सकते हो इन्होंने एक बात बोली थी कि यू कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज, आप मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरे आइडियाज को नहीं मार सकते, आप मेरी बॉडी को क्रश कर सकते हो लेकिन मेरे स्पिरिट को क्रश नहीं कर सकते। सोचिए, दुनिया में जितने भी रिवोल्यूशन आते हैं, चाहे वो गांधी जी के हो, भगत सिंह जी के हो, नेहरू जी के हो, या फिर अपने बोस साहब के हो, है ना, कार्ल मार्क्स के हो, लिंकन के हो, ओके, किसी के भी मूवमेंट हो, वो हमेशा आइडियाज के दम पे जो है वो आगे बढ़ते हैं, है ना, वो आइडियाज से ही दोस्तों लोगों को जागरूक करते हैं। बॉम्ब और पिस्टल जो है वो कभी भी रिवोल्यूशन नहीं बनाते हैं, दो रिवोल्यूशन जो बनता है वो आपके आइडियाज से बनता है, ओके, द सॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटनिंग स्टोन ऑफ द आइडियाज। तीसरी बात, मे द सन इन हिज कोर्स विजिट नो लैंड फ्री हैप्पियर मोर लवली देन दिस माय ओन कंट्री, हमारे खुद के कंट्री से ज्यादा हैप्पियर फ्री कोई भी लैंड है जो कि नहीं होगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। फेथ और ब्लाइंड फेथ इज डेंजरस, इट डल द ब्रेन एंड मेक ए मैन रिएक्शनरी, तो एक बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। आज के प्रेजेंट एरा में
इनका ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वैलिडेट करता है कि आपका जो फेथ है और जो ब्लाइंड फेथ होता है किसी भी कम्युनिटी के ऊपर, किसी भी रिलीजन के ऊपर, वो आपके ब्रेन को सिर्फ डल बनाता है और आपको रिएक्शन करने पे मजबूर करता है ना। ये उनके द्वारा बात बोली गई। रिवोल्यूशन इज एन इनएलेबल राइट ऑफ द मैन कैंड, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल, लेबर इज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। तो जो ये कुछ बातें इनके द्वारा ऑल बोली गई कि जो फ्रीडम है वो हर एक आदमी की जन्म सिद्ध अधिकार है ना, और रेब जो रियल सस्टेनर है जो सोसाइटी के अंदर, वो लेबर क्लास होती है जो सच में दिन रात काम करके पूरे देश को खड़ा करने का काम करती है। रिवोल्यूशन एक ऐसा राइट है जो कि एक इंसान का होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही अमेजिंग बातें हैं, मतलब जो कि आपको अक्सर पढ़ाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, है ना। इनकी कभी की किताब पढ़िएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो, है ना, भगत सिंह के बारे में बहुत ही अच्छी अमेजिंग किताब वाई एम आई एम एन एथिक्स, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें इनके द्वारा बोली गई है। इसके अलावा मैंने आपको एक बार पहले भी एक लेक्चर भी मैंने आपको एक वो किया था, रिकमेंड किया था पीयूष मिश्रा का, पीयूष मिश्रा भगत सिंह माई फ्रेंड करके। एक काम करना, आज जो है आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आधे घंटे का एक लेक्चर सुनिएगा। पीयूष मिश्रा बहुत ही अमेजिंग एक्टर और राइटर है, उनका एक ऐसे लेक्चर था भगत सिंह के ऊपर, पीयूष मिश्रा भगत सिंह माई फ्रेंड करके यूट्यूब पे डालिएगा, आपको एक लेक्चर मिलेगा आधे घंटे का, वो सुनिएगा। उसमें उन्होंने और बहुत अमेजिंग बातें हैं जो कि भगत सिंह के बारे में, उनके तौर तरीके के बारे में, उनकी मेंटेलिटी के बारे में उसमें बताया है, और भी बहुत बातें करी गई है। लेगेसी एंड मेमोरियल की बात करें तो 15 अगस्त 2008 को 18 फुट का एक टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है जो कि बनाया गया पार्लियामेंट के वहां पे, जहां पे इंदिरा गांधी सुभाष चंद्र बोस के पास में है। नेशनल मार्टियर मेमोरियल बनाया गया हुसैनवाला के अंदर। शहीद मेला जो है ये लगाया जाता है हर साल 23 मार्च को पंजाब के अंदर। और शहीद आजम भगत सिंह म्यूजियम भी जो है वो 50th एनिवर्सरी के ऊपर जो है ओपन किया गया उनके सेंट्रल विलेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे के बारे में डाटा पॉइंट आया है जो कि आपको हमेशा मेंस में दोस्तों अच्छे नंबर दिलाने में बहुत काम आता है। ठीक है गाइस, चलिए और आकाश है जो कि गुड मॉर्निंग आकाश। आकाश इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं पिछले 2 साल से और अभी करंट अफेयर क्लास वो ऑफलाइन देखते हैं, लेकिन आज शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ट्रेन में ट्रैवल करते हुए आसाम से दिल्ली जा रहे हैं अपने हॉलीडेज के लिए और ट्रैवल कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ टू यू आकाश, आपके स्पिरिट को, आपके नॉलेज को गेन करने का जो ये स्पिरिट है वो बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि यहाँ पे रेलवे को लेकर है। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में बताया गया। देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, उसी से हम लोग पता करते हैं कि इंडियन रेलवेज को कितना घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर मुझे 100 रुपए कमाने हैं तो मुझे उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 90 रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि 99 करने पड़ेंगे, इसी को ही ऑपरेटिंग रेशियो है जो कि कहते हैं। समझ गए, आज के टाइम पे हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपए कमाने के लिए। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जो हमारा एसी का जो टायर 3 है ना, वो बहुत ही यूनिक है दोस्तों। सबसे ज्यादा जो हम लोग पैसा कमाते हैं ना, वो ये बताया गया है कि जो टायर 3 है उसी से हम लोग कमाते हैं। एसी का जो टायर 3 है वो हम लोग उससे हम लोग काफी पैसा है जो कि कमाते हैं। तो ये कैग की रिपोर्ट है, साथ में एनुअल स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट जो इंडियन रेलवे के द्वारा भेजा गया है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओवर द ईयर कितना ज्यादा पैसा है जो कि हमें लगाना पड़ रहा है, रेलवे कितना घाटे में जा रही है। घाटे में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादा पैसे लगने पड़ रहे हैं, तो वो एक तरीके से घाटा ही हो गया ना। पहले मैं 90 रुपए में 100 रुपए कमा रहा था, अभी मुझे 98 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपए कमाने के लिए, तो एक तरीके से 8 रुपए का घाटा ही। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2009 तक तो 90 रुपए लगते थे, फिर 95 हो गए 100 रुपए कमाने के लिए, फिर 1400 पहले और भी 90 रुपए पे पहुंच गए, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे चले गए 16 के टाइम पे। अब 16 के बाद देखिए हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। रेलवेज देखिए अभी हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 98.36 के ऊपर, ये नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 98.36 रुपए हमें लगाने पड़ रहे हैं 100 रुपए अर्न करने के लिए, है ना। ये इंटरनल रिसोर्सेज के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो हमारा एसी का टायर 3 है ना, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आप देखो यहाँ पे 1% लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं टोटल इंडियन रेलवेज का, और 7% टोटल किलोमीटर में, लेकिन 21% अर्निंग जो है ना वो यहीं से होती है। कितनी अमेजिंग बात है ना, सबसे ज्यादा लोग दोस्तों सेकंड क्लास में और स्लीपर क्लास में और फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रैवल करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और बाकी तो एग्जीक्यूटिव फर्स्ट एसी का तो किराया इतना ज्यादा है कि फ्लाइट से चले जाए इंसान। मुझे समझ नहीं आता फर्स्ट एसी रखा हुआ क्यों है, उसका किराया कई बार तो इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि फ्लाइट में क्यों नहीं चल जाए इंसान। तो यहाँ पे बताया गया नॉर्मली आपको 25 पैसे से लेकर 2.5-3 रुपए तक जो है वो देने पड़ सकते हैं, डिपेंड कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हैं
और कौन से वाले रेलवे के कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट एसी में जाओगे तो 3.5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे। मान लीजिए आप बॉम्बे जा रहे हो, जयपुर से 1100 किलोमीटर है, तो हो सकता है 3,500 रुपए की टिकट है जो कि आपको देनी पड़े। वहीं पर ही उसी ट्रेन में एक काम करो, सेकंड क्लास स्लीपर पकड़ लो, 25 पैसे सेकंड क्लास पकड़ लो, स्लीपर रहने दो, स्लीपर नहीं सेकंड क्लास, बैठे बैठे झूलते झूलते लटकते लटकते जाओ तो 25 पैसे पर किलोमीटर में पहुंच जाओगे, यानी कि 300-400 रुपए की टिकट में पहुंच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से चलता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ टायर 3 जो है ना यही प्रॉफिटेबल है, बाकी तो जितने भी एसी वाले हैं सबने दोस्तों घाटा ही घाटा दिया है, सारे के सारे लॉस मेकिंग के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर से आप लोग ट्रेन की टिकट भी नहीं देते आधी टाइम, तो वैसे लटक के चले जाते हो आधी दूरी पे तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब आप बोलोगे सर ये तो पूरा ही माइनस माइनस में है, ये तो घाटे में घाटे में, तो पैसा कहाँ से कमा रही है रेलवे? तो रेलवे के भी पैसे कमाने का तरीका है ना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके होर्डिंग्स लगते हैं, मार्केटिंग होती है ट्रेन के ऊपर, मार्केटिंग होती है, वहाँ पे जगह किराए पे देते हैं, तो उस जगह से जो है रेलवे पैसे कमाता है और अपने रेशो को आगे मेंटेन करता है। बाकी टिकट से बात करोगे तो ये पूरा घाटे घाटे में है, सिर्फ थर्ड एसी है जो कि आपका फायदे के अंदर चलता है। ऑलराइट, और वैसे इंडियन रेलवे का कोई उसको अच्छी बात यह है कि हमें उसको प्रॉफिट में ही चलाना जरूरी है ना, लेकिन पैसे कमाना हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों का एक साधन है रेलवेज। रेलवेज एक तरीके से वेलफेयर मेजर होता है किसी भी कंट्री के अंदर, है ना, जहां पे एक नॉर्मल कॉस्ट में एक इंसान जो है दूरी तक ट्रैवल कर सके। अब बेचारा बिहार से कोई महाराष्ट्र मजदूरी करने जा रहा है तो 1000 रुपए तो ना दे सकता है, 200-300 में बेचारा जनरल के अंदर जो है बैठ के जाएगा। पहले जब हम स्टूडेंट थे हम खुद ही जनरल के अंदर जो है लटक के 200-300 रुपए में, मतलब 50 रुपए के अंदर दिल्ली, 70 रुपए की टिकट थी दिल्ली की, जयपुर से दिल्ली की, तो लटक लटक के जाते थे। मतलब उसी में भी कई बार अगर नहीं पहुंच पाए टाइम पे तो फिर विदाउट टिकट ही घुस जाओ। ठीक है, चलिए ऐसा होता था। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि आपके नासा के डार्ट प्रोग्राम को लेकर है। कल दोस्तों डार्ट प्रोग्राम के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा वो था सैटेलाइट थी, उसने दोस्तों फाइनली जो है एस्ट्रॉयड को टकरा के उसका जो ऑर्बिटल जो उसकी जर्नी थी उसको डाइवर्ट कर दिया, तो मिशन जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा। तो आप देखिए हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी अर्थ थ्रेटनिंग एस्ट्रॉयड अगर कल को आता है तो नासा जो कि एक तरीके से एवेंजर का काम करता है हमारे अर्थ को बचाने के लिए, उसने दोस्तों ये सैटेलाइट है जो कि भेजी, नासा का डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किया, जिसमें देखो दो तरीके के एस्ट्रॉयड थे, हमारी जो मार्स और जुपिटर जो हमारी है ना मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट MJ, तो ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे एस्ट्रॉयड ही एस्ट्रॉयड है, ये बैल्टी पूरी एस्ट्रॉयड की होती है ना, अर्थ के बाद मार्स और जुपिटर के बीच में। कई बार क्या होता है ये एस्ट्रॉइड जो है ना ये डायरेक्शन थोड़ा बदल लेते हैं और हमारे अर्थ के आसपास भी आ जाते हैं। हमारे बाद मैंने बताया था कल परसों भी आपको कि दो बार जो है हमारी अर्थ खत्म हुई है डायनासोर, वो दोनों एस्ट्रॉइड के टकराने से हुई है। इनफैक्ट हमारे अर्थ के ऊपर जो पानी आया पहली बार वो भी एस्ट्रॉइड के टकराने से आया, आयरन जो हमारे अर्थ के ऊपर आया वो भी एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से ही आया, समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से एस्ट्रॉइड के टकराने का एक कारण दोस्तों हमारे यहाँ पे लाइफ जो हुई है, जैसे कि मार्स पे लाइफ नहीं है बाकी जगह पे लाइफ नहीं, हमारे यहाँ पे लाइफ जो पनपी है वो हमारा उसका एक मेजर कारण भी ये रहा है। लेकिन अभी हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, अगर वापस टकरा गया तो दुनिया खत्म है। अब आप देखिए ये जो बड़ा वाला जो डायमोज है ना ये एक एस्ट्रॉइड है, इसके चारों तरफ एक और छोटा सा एस्ट्रॉइड था जो कि चक्कर लगा रहा था इसके ऑर्बिटरी के अंदर, किसका नाम है डायमॉर्फस। तो हमने ये जो डायमॉर्फस है ना हमारा डार्ट मिशन गया इसको टकराया और इसकी जो पहले जो डायरेक्शन थी वो तो ये वाली थी, अब हमने इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया इसके ऑर्बिटल मिशन को, समझ गए? ये तो आप देखो यार 1 किलोमीटर के आसपास का है ये तो डायमोज, इसको तो बदलना ही, इसका डायरेक्शन बदलना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कुछ चाहिए होगा, 4-5 हजार kg की कोई सैटेलाइट बिड़ानी पड़ेगी इसके लिए तो। लेकिन अगर ये जो छोटा वाला है ना डायमॉर्फस इसको हमने ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर दिया, आप देखोगे ये अर्थ है हमारी है ना, अर्थ से पास में ही है, ठीक है ये अर्थ है, ये सन है आगे और इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, पहले ये वाली थी ये मार्स की, अब ये डायमोस की है, तो हमने इसके ऑर्बिटल पीरियड को क्या कर दिया अल्टर कर दिया। ये देखिए ये वाला था पहले, अभी हमने इसको टकरा के इस तरीके से कर दिया है ना। तो कुल मिला के हमारा मोटिव क्या था कि क्या हम किसी भी एस्ट्रॉइड के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं क्या, ताकि कल को मान लीजिए इसी यहां पर अर्थ आ जाती तो हमारी तो रेल बन जाती, टकरा जाता है हमारे यहां पर, तो हम इसको अगर डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो फिर ये हमारा यहां पर अर्थ हमसे नहीं टकराएगी, समझ गए? कुछ इस तरीके का था ये मतलब देखने में। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो और 1.2 किलोमीटर तक के इसकी ट्रेजेक्टरी थी जिसको हमने छोटा कर दिया, 30,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जो है ना ये इंपैक्ट है जो कि देखने को मिला है, और नियर बाय 1% के आसपास इसने अपना जो ट्रेजेक्टरी है ना उसको चेंज कर दिया है। ठीक है गाइस, अगर आप देखोगे इसको देखोगे ना आप तो ये तो बहुत ही बड़ा है, मतलब अपने एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है उससे भी ज्यादा बड़ा है,
ये वाला छोटा था, ये 160 मीटर का था, ये तो खैर काफी बड़ा है, मतलब है ना। ये डायमोस तो 780 मीटर वाइड है। ओके, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो यहां पे फोटो दिखाया ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो और ये जिस पे अपन ने टकराया है ना वो 160 मीटर के आसपास है, ठीक है गाइस। और 600 केजी का ये डार्ट मिशन था, सैटेलाइट थी जो कि इससे टकराई और उसके बाद में इसको डाइवर्ट किया। क्या इसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अर्थ को बचाना ही है? ओके, बताइए जल्दी से, क्या इसका काम सिर्फ अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही था? बिल्कुल बात सही है, लेकिन इसका एक और हिडन मिशन है ना। $325 मिलियन लगे इसमें, कम नहीं होते इसमें इतने पैसे लगाना। इन्होंने दोस्तों पता है क्या गेम खेला है नासा ने, एक और नया इन्होंने बिजनेस करने का तरीका निकाला इसी मिशन के साथ में, स्पेस माइनिंग जिसको कहते हैं, स्पेस माइनिंग। कि एस्ट्रॉइड के ऊपर दोस्तों बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो क्या ये लोग स्पेस में से भी मिनरल्स निकाल सकते हैं क्या? उसका भी एक तरीके से टेस्टिंग था दोस्तों। तो स्पेस माइनिंग एक और नया बिजनेस करने का टाइम है जो कि आने वाले टाइम पे बनेगा। तो मिनरल्स हम लोग जमीन से निकाल रहे हैं, उसके बाद समुद्र से निकाल रहे हैं, आसमान में बेचारे है नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो एस्ट्रॉइड के पास में वैसे ले लो। ओके, मून के ऊपर भी इसीलिए जो है पीछे पड़े हुए सब मिलकर। तो अभी स्पेस माइनिंग भी दोस्तों एक ये जो किक टेक्निक है इसको नाम दिया गया है द किक टेक्निक, है ना। इससे स्पेस माइनिंग भी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 12। कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली बार जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग है जो कि यूट्यूब पे करी गई। तीन बड़े केसेस चल रहे थे, एक तो आपके 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें EWS की बात करी गई थी, 10% कोटा दिया गया था जनरल कैटेगरी को, एक तो वो वाला मुद्दा था। दूसरा वाला मुद्दा था दोस्तों आपका शिवसेना वाला, कि कौन से रियल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली या शिंदे वाली। और तीसरे वाले की बात करें तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक केस था। तो तीन अलग अलग कोर्ट रूम थे, तो उन तीनों की लाइव स्ट्रीमिंग है जो कि करके 8-9 लाख लोगों ने टोटल मिला के उसको व्यू किया। तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करने की बात बोली जा रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे EWS का भी रिजर्वेशन जो है ना, क्या ये कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका फैसला आपको आजकल में मिल जाएगा। एक्चुअली के अंदर जो इंदिरा शॉनी केस है, जजमेंट है जिसमें 50% लिमिट बताई गई है कोई भी रिजर्वेशन की, उसकी लिमिट को ये ऊपर कर रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जो 50% बोला था वो सोशल बैकग्राउंड के ऊपर बोला था, हम तो ये इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के ऊपर लेके आए हैं, तो ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। कोर्ट बोलता है कि कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, 50 से तो ऊपर जा ही रहा है, ठीक है। तो आज इसका फैसला है जो कि आ जाएगा। अभिषेक बोल रहे हैं कि आवाज सिर्फ एक ही ईयरबड में आ रही है। यार इसका कारण मुझे भी नहीं पता कि एक ईयरबड में क्यों आ रही है। मैं आज इसको टेस्ट वेस्ट करवा लूंगा इसको, उसके बाद में अपन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे और अगर मैं बात करूं तो कुछ भी इसके अलावा तो कुछ यहाँ पे ये वाली न्यूज भी इंपॉर्टेंट है जो कि कार्ल गुस्ताफ को लेकर है। देखो ये तो मैंने आपको बताई थी ना लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं कहां गया, किस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग है जो कि करी गई। देखोगे क्या कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग, यहां पे मैंने लगाई थी इसको लेकिन ये फोटो में चेंज हो गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहां पे स्वीडिश डिफेंस मेजर कंपनी, देखो आपने लॉकिन मार्टिन का नाम सुना होगा, आपने बोइंग का नाम सुना होगा, है ना, एयरबस का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि बड़े बड़े इक्विपमेंट्स बनाती है। एयरबस और बोइंग तो मेजरली आपके कमर्शियल बनाती है, और लेकिन लॉकिन मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है। उसी प्रकार से स्वीडन की भी दोस्तों एक बहुत ही फेमस कंपनी जहां से हम लोग काफी हथियार लेते हैं, उसका बोलते हैं साब, समझ गए। तो साब से हमने जो है ना, ये जो आपके देख रहे हो, आप ये जो गन देख रहे हो, ये गन दोस्तों हम लोग 1970 से काम में ले रहे हैं, स्वीडन से हमने लिया था। ओके, और ये 1.5 किलोमीटर तक मतलब किसी भी टैंकर को या किसी भी चीज को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आज के टाइम पे, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन बनेगा ना वो हमारे कंट्री के अंदर बने, मेड इन इंडिया की तरफ बने और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो। तो फाइनली दोस्तों स्वीडन ने बोल दिया है कि जो कार्ल गुस्ताफ M4 जो वर्जन होगा ये इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, तो स्वीडन की कंपनी के द्वारा बोला गया है। ये हमारे लिए दोस्तों काफी बेनिफिट होगा क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी, नौकरियां भी आएगी, प्रोडक्ट भी बनेगा मेक इन इंडिया के तहत, इक्विपमेंट भी हमारे होंगे, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी, तो हम खुद इसको प्रोडक्शन करके फिर आने वाले टाइम पे बाकी देशों को भी फिर हम लोग इसको बेच सकते हैं। तो कितना इसका इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रोडक्शन करेंगे, कहां पर लगेगी फैक्ट्री, ये तो खैर अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इंडिया के अंदर इसका काम जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ये अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। पहली बार हमने 1976 में दोस्तों इसको यूज किया था, उसके बाद अभी हम लोग इसका MK2 और MK3 वर्जन है जो कि काम में ले रहे हैं, 4 वाला है जो कि अभी रिसेंटली बनेगा।
आगे बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 14 पे। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कितने फिरंगी है जो कि फॉरेन से इंडिया में आए। अगर आप देखोगे 2020 के अंदर जब कोविड था स्टार्ट हुआ था उससे पहले पहले दोस्तों हमारे देश में 2.74 मिलियन यानी कि 27 लाख फॉरेन टूरिस्ट है जो कि हमारा देश घूमने आए थे। 2021 के अंदर दोस्तों कोविड में नंबर कम हो गया और सिर्फ 15 लाख फॉरेन टूरिस्ट है जो कि देखने को मिले। तो ये रिसेंटली डाटा है जो कि बताया गया दोस्तों अभी हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा कि इंडिया के जो टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स है 2022 उसके अंदर ये डाटा है जो कि दिया गया है, है ना। हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं अब आगे उसके ऊपर बात करी गई है। मैक्सिमम जो 15 लाख लोग आए वो कहां कहां से आए हैं, यूएसए, यूके और बांग्लादेश, कनाडा, इन कंट्रीज आए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे इंडियंस कितने बाहर गए हैं, तो वो ज्यादा गए हैं, मतलब ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं इंडियंस की तो 80 लाख 8 मिलियन, सॉरी यहां पे नंबर गलत बोल दिया गया मैंने, 2.7 मिलियन दिया ना, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ नंबर सही है, 15 लाख और 27 लाख। हम लोग जो विदेश में गए, अगर मैं वो नंबर आपको बताऊं तो दोस्तों वो है 80 लाख, 80 लाख भारतीयों ने 2021 के अंदर ट्रैवल किया और 72 लाख भारतीय ने 2020 के अंदर जो है वो ट्रैवल किया। मैक्सिमम जो जाने वाले लोग हैं वो है दोस्तों यूएई, यूएई सबसे प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है जो कि बताई गई है, सबसे प्रिफर्ड डेस्टिनेशन यूएई है इंडियंस के लिए। सेकंड नंबर पे यूएस, कतर, ओमान और यूके, ये 4-5 जगह है जो कि बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो यहां पर दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका का भी T20 मैचेस है, वर्ल्ड कप से पहले स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे गावस्कर और अपने रवि शास्त्री को दोस्तों फैसिलिटेट किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे यहाँ पे SJFI मेडल होते हैं, ये SJFI क्या होता है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। उन्होंने दोस्तों क्या किया, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री दोनों को दोस्तों यहाँ पे जो है ऑनर किया है, इन दोनों को जो है यहाँ पे ऑनररी मेंबरशिप है जो कि मिली है और साथ में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी किया गया है, ठीक है। और अभी तो खैर तिरुवनंतपुरम के अंदर ये फंक्शन है जो कि करवाया गया है स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो होते हैं ना फेडरेशन, उनकी फेडरेशन एक्चुअली के अंदर। इन्होंने काफी तारीफ भी करी जर्नलिस्ट की वो तो अवार्ड मिला इसलिए करी, अदरवाइज कोई करता नहीं है। हाँ मैं यार इसको एयरफोन में आपके एक ही साइड में प्रॉब्लम आ रही है ना, सुनने में आ रहा है, इसको मैं फिक्स करवा दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें, ये आपका फ्रंट पेज है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों पीएम जो है वो थर्ड वंदे भारत ट्रेन है जो कि अभी लॉन्च करने वाले हैं फ्राइडे को, और गुजरात के अंदर आपको मालूम ही अगले साल इलेक्शन भी है, 29,000 करोड़ रुपए के टोटल प्रोजेक्ट है जो कि पीएम मोदी यहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो थर्ड दोस्तों वंदे भारत ट्रेन जो कि कहां से कहां चलेगी, गांधीनगर से मुंबई तक दोस्तों ये चलने वाली है, समझ गए। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे सीएनजी टर्मिनल को लेकर, वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल है जो कि भावनगर के अंदर बनाया जा रहा है, पहले भी हमने पढ़ा था, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों थर्ड है 36वां नेशनल गेम जो कि पहली बार दोस्तों गुजरात में करवाया जाएगा, है ना, उसको भी यहाँ पे ये ओपन डिक्लेरेशन है जो कि इसका करेंगे। तो ये 3 इवेंट है जो कि मोदी जी करने वाले हैं गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। अभी तक जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है वो वाराणसी से दिल्ली, जयपुर, दिल्ली से वैष्णो देवी, कटरा तक जा रही है, और तीसरी वाली जो है वो मुंबई गांधीनगर है। तो ये 3 ही वंदे भारत ट्रेन है जो कि अभी चल रही है, काफी अच्छी ट्रेन है, इनकी मैक्सिमम लिमिट है 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन नॉर्मली जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास है जो कि चलती है, एवरेज स्पीड इसकी 80 से 90 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। जनसत्ता की बात करें, कुछ खास जनसत्ता में नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि है आपके 8 ईयर्स ऑफ मेक इन इंडिया को लेकर, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये मेक इन इंडिया के तहत 8 साल जो कि हो चुके हैं, और 8 साल के अंदर मेक इन इंडिया में क्या हुआ, कितना पैसा आया, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है जो कि दी गई है, ठीक है। आशीष बोल रहा है कि सर स्माइल फ्रॉल के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो, अरे भाई हाँ, अगर आप किसी को भी जो है स्माइल फ्रॉल ज्वाइन करना है तो smilefrolsociety.org की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर एक बच्चे की यहाँ पे आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ यार एक्चुअली बताना, ठीक है, कल से कंटिन्यू करेंगे स्माइल फ्रॉल के बारे में भी। चलिए आगे बात करें तो मेक इन इंडिया ने दोस्तों 8 साल पूरे कर लिए, 2016 जब इसकी शुरुआत करी गई थी तब FDI $43 बिलियन के आसपास था, 8 साल के अंदर FDI कितना हो गया है, $83 बिलियन है जो कि फॉरेन से पैसा इंडिया में आया है। तो ये FDI का डाटा है दोस्तों जो कि यहाँ पे बताया गया। अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं,
लोकलाइज्ड कर रहे हैं कई सारे इंडस्ट्रीज को पीएलआई स्कीम के तहत, जो कि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इतना प्रोडक्शन करोगे, इसके ऊपर करोगे, तो आपको इंसेंटिवाइज मिले, 4-6% जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो आपको वापस दे देंगे। ठीक है, चलिए टॉय के अंदर दोस्तों आपको मालूम ही है हमने इंपोर्ट कम किया और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा किया, 600 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट है जो कि हमने किया है टॉय के अंदर। आपको मालूम है रिलायंस ने दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है हैमलेज, उसको खरीद लिया था और उसको हम लोग प्रोडक्शन में काफी काम में ले रहे हैं। ठीक है, वहां से काफी सामान बेच रहे हैं। तो 2014 के अंदर दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत है जो कि करी गई थी। हम लोग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जो कि इसको बनाना चाहते थे। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बना पाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर काफी ठीक है, एफडीआई काफी आया है, स्टार्टअप्स काफी ग्रो हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो दो इसमें प्राइम मोटिव थे, पहला वाला पूरा नहीं हुआ लेकिन दूसरा वाला काफी हद तक ठीक है, काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए तो 27 सेक्टर के अंदर दोस्तों डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया था। और चलिए तो मोटिव क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग इंक्रीज करेंगे, 16-25% तक की ग्रोथ है जो कि 2022 तक अचीव करेंगे, है ना। 10 करोड़ जॉब्स है जो कि 2022 तक प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 12-14% एनुअली ग्रोथ करेंगे, एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे, चाइना को पीछे करेंगे। तो ये कुछ सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे मेक इन इंडिया में। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये वाला भी नहीं हुआ, एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ हुई है हमारी, मैन्युफैक्चर वाला ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। और इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमने काफी थोड़ा काफी अट्रैक्ट जो है वो एफडीआई किया है, ऐसी बात नहीं है। चाइना को तो घर पीछे नहीं कर पाए लेकिन फिर भी कर पाए, तो 2-3 चीजें हमने इसके अंदर अचीव कर ली है। एफडीआई का इन्फ्लो देखोगे तो 14 तक दोस्तों 15 में 45 बिलियन डॉलर था जो कि अभी 86 बिलियन डॉलर है जो कि हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने दोस्तों सिंगल एक विंडो बना दी है, काफी काम किए, काफी सारे लॉस को हटाया है, है ना, थोड़ा इजी बना दिया है बिजनेस करना कंपैरेटिवली जो पहले हुआ करता था। ओके चलिए ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मेजरली जो इन्वेस्टमेंट है ना वो शेल कंपनी से आता है, कई जगह पे मॉरिशस से, सिंगापुर से शेल कंपनी जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट करने के काम आती है पैसे को। प्रोडक्टिविटी दोस्तों अभी भी हमारी बहुत लो है, स्किल्स हमारे अभी भी इनसफिशिएंट है, स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट हमारी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अभी भी बहुत ज्यादा है, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एवरेजली चाइना के वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करने का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आर है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी हम लोग 60 किलोमीटर पर आर के ऊपर ही स्पीड के ऊपर अटके पड़े हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में अभी भी हमारी रैंकिंग जो है वो 44 है। तो इन कुछ चीजों के ऊपर दोस्तों अभी भी काम करना बाकी है। मतलब आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे को लेकर। तो 26 सितंबर को दोस्तों पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे है जो कि मनाया गया। ठीक है गाइस, इस दिन जो है वो एनवायरमेंट के साथ कैसे आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं उसको फोकस है जो कि किया गया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी हेल्थ है, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, है ना। तो पहली बार इसको 2011 के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व किया गया और थीम इस बार जो रखी गई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे पूरा कर सकते हैं उसको लेकर है, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंट हेल्थ सिस्टम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एसडीजी, ये थीम है जो कि रखी गई है। ठीक है, तो हमारे जो 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उस सबके अंदर दोस्तों एनवायरमेंट बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करता है, है ना। बोला गया कि हम लोग इन्वेस्ट करें हेल्दी और ग्रीन रिकवरी के अंदर, कोविड के टाइम तो और भी ज्यादा जरूरी है जो कि ये हो गया है। एनवायरमेंट की बात करें तो हमारी रैंकिंग बहुत ही खराब है, 180 कंट्री में दोस्तों हम लोग बॉटम के अंदर थे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। हम लोग म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सबसे भी दोस्तों पीछे थे। इसके ऊपर काफी काम करने की जरूरत है, इसलिए हमने कई सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च करे हुए हैं, जैसे कि नगर वन उद्यान स्कीम है, वेटलैंड कंजर्वेशन है, है ना, सेफ सॉइल मूवमेंट है। हमारा गोल था कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर जो है बंजर जमीन को वापस से फर्टाइल बनाएंगे 2030 तक और नेट जीरो इमिशन करेंगे 2070 तक। तो ये हमने एनवायरमेंट को लेकर ही दोस्तों ये काम है जो कि करे हैं। आगे बात करते हैं व्हाइट फ्लाई। ये जो व्हाइट फ्लाई आपको छोटे छोटे से कीड़े देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपकी कॉटन के दोस्तों प्रोडक्शन को बहुत खराब करते हैं। 20-30 दिन का इनका लाइफ साइकिल होता है और व्हाइट फ्लाई हम इनको कहते हैं। ये सीरियसली दोस्तों डिजीज है जो कि कॉटन के ऊपर करते हैं, कॉटन की लीफ के ऊपर करते हैं और ये हमारे प्रोडक्शन को खराब करते हैं। तो और हमारे जो भी ऐसी बेल्ट है जहां पे कॉटन प्रोडक्शन होता है वहां के लिए बहुत ही डेंजरस है, जो कि माना जाता है ये कॉटन लीफ कर्ल वायरस डिजीज है जो कि दोस्तों करते हैं व्हाइट फ्लाई। पेपर में पूछेंगे ये डिजीज किसकी वजह से होता है, तो व्हाइट फ्लाईज की वजह से होता है। व्हाइट फ्लाईज की भी कई सारे इसकी स्पीशीज है, जिसने तमिलनाडु में दोस्तों काफी फसल खराब करी और भी, और ये एक्चुअली जो नेटिवली है ये कैरेबियन और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी धीरे धीरे फैल गए तो कई जगह पे देखने को मिलते हैं। ओके चलिए, हमारे प्रोडक्शन को काफी नुकसान है जो कि ये पहुंचाते हैं।
ऑल राइट, आगे बात करते हैं इनकी तरीके से और भी कई सारे अटैक्स होते हैं, डिजीजेज होते हैं, जैसे कि एक होता है आर्मी वर्म, है ना, ये भी एक पेस्ट डिजीज है। वैसे लोकस्ट, आपको टिड्डे नहीं होते जो अटैक करते हैं पंजाब से, वहां से पाकिस्तान से आते हैं, वो भी हमारी फसलों को खराब करते हैं। उसी प्रकार से पिंक बॉल वर्म होता है, ओके, ये भी कॉटन फार्मिंग को खराब करता है, तो ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सीताना वसल केव को लेकर। ये जो केव आपको नजर आ रही है ना दोस्तों, ये जो पांड्या डायनेस्टी थी ना उनके टाइम के बनाई हुई एकमात्र दोस्तों ऐसी केव्स है जो आज तक दोस्तों अवेलेबल है। तो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों इनको कंजर्वेशन स्टार्ट किया है ताकि पब्लिक के लिए भी इसको अवेलेबल कर सके। तमिलनाडु के अंदर है और सेकेंड सेंचुरी की है, यानी कि 1800 साल पुरानी दोस्तों ये केव्स है, जहां पे कई सारे आपको पांड्याज पेंटिंग है, मॉनेस्ट्री टेम्पल, कई चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। इसको अरिवर कॉल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और यहाँ पे शैलेंद्र सिंह जो है उनकी आज बेटी का जन्म हुआ है और वो आईसीयू के अंदर एडमिट है। डेफिनेटली शैलेंद्र यार, आपकी बेटी बिल्कुल सही होगी। हम सबके जो ब्लेसिंग्स हैं, हम सबकी जो दुआएं हैं, वो आपके साथ में है, और मुझे कल कमेंट करके बताना। डेफिनेटली 100% जो है आपकी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी, डोंट वरी, है ना। थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, दो तीन दिन लगेंगे, लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल सही हो जाएगी, डोंट वरी, ओके। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आज आपकी बेटी का भी जन्म हुआ है, और आज मैं भी अभी जैसे कि आपकी क्लास खत्म करके एक मुझे DPS में लेक्चर देना है दिल्ली पब्लिक स्कूल में, वहाँ जाने के बाद मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, तो माइट बी पॉसिबल आई विल बिकम ए फादर टूडे, ओके। तो आज आपकी बेटी का जन्म, और शायद जो भी जेंडर हो, बेटी बेटा जो भी हो, डजेंट मैटर, तो वो भी आज हो सकता है, मतलब आई विल बिकम ए फादर टूडे मे बी, ओके, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता चल जाएगा वो तो, ओके। आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो 7th सेंचुरी से भी कई सारे वेजिटेबल की पेंटिंग्स, मिनरल की पेंटिंग, ये सब जो है यहाँ पे काफी अवेलेबल है, तो इसको कंजर्व करने के लिए दोस्तों बोला गया है। आगे बात करते हैं फ्लैक्स फ्यूल। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, फ्लैक्स फ्यूल वाली जो गाड़ियों है ना, इनकी भी डिमांड बढ़ गई है। फ्लैक्स फ्यूल इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। फ्लैक्स फ्यूल का मतलब होता क्या है दोस्तों, ये ऐसा, देखो एक तो होता है हाइब्रिड व्हीकल, जिसमें आप इलेक्ट्रिक चला लो या फिर पेट्रोल डीजल से चला लो। फ्लैक्स फ्यूल का मतलब होता है आप पेट्रोल से चला लो, डीजल से चला लो, या फिर आप इसमें इथेनॉल डाल के भी चला सकते हो सकता है 10% हो, 20% हो, 50% हो, जितना भी हो, लेकिन इसका जो इंजन है ना, वो इथेनॉल के या फिर बायोफ्यूल के लिए काफी बढ़िया होता है, तो उसी को हम लोग फ्लेक्स फ्यूल बसेस या कार से जो कि कहते हैं। तो अभी रिसेंटली टोयोटा जो है ना, वो ये गाड़ी इंडिया के अंदर है जो कि प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। इसमें इस तरीके का कोई इसका स्ट्रक्चर होता है, फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल फिलर, बैटरीज, ये आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसमें इंटरनल कंबशन इंजन तो होता ही होता है, मतलब जो नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा फ्यूल से आप इसको चला सकते हो, पेट्रोल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इस तरीके से आप इसको जो है वो चला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 10% जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट अचीव करेंगे नवंबर 2022 तक, और 2025 तक 20% का टारगेट है जो कि रखा गया है। करंट अफेयर शॉर्ट्स में बात करें, बटुकम्मा तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जो कि रिसेंटली मोदी जी ने इसको लेकर लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। आसाम जो है वो पोर्टेबल डिवाइस यूज करेगा सांस नाम का, ताकि न्यूनेटल जो डेथ होती है, जो नया बच्चा होता है ना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके हॉस्पिटल में। इंडियन रेलवे RTIS सिस्टम डेवलप करेगा ताकि ट्रेन की इंफॉर्मेशन है जो कि टाइम पे मिल सके। ऑलराइट, इंडियन गवर्नमेंट एक साइन लैंग्वेज की एप्लीकेशन बनाई है ताकि जितने भी साइन लैंग्वेज यूज करने के लिए आप एप्लीकेशन से यूज कर सको उसको देखकर। वोकैबुलरीज में पेनस्टेकिंग का मतलब बहुत केयरफुली काम करना, और अनबिकनोन का मतलब होता है जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं हो। ओवरचर का मतलब प्रपोजल, कंफाउंड का मतलब बहुत ही कंफ्यूज होना, और आपका जो लास्ट वर्ड है वो है कॉरुस्केट, जिसका मतलब होता है लाइट, टू गिव लाइट ऑफ, ओके। साथ में करंट अफेयर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ब्रह्मास्त्र बैच की दोस्तों क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, GK की, साथ में आपकी मैथ की, तो आज पहली क्लास है 28 तारीख को, तो ब्रह्मास्त्र बैच की ज्वाइन कर सकते हो आप। बैच की 3 सब्जेक्ट की आज पहली क्लास है, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, SSC कैटेगरी में जाना है प्रिपरेशन में, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बैच में सेलेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 आज के जो महत्वपूर्ण सवाल, फन फैक्ट में दोस्तों एक लेक के बारे में, लेक हीलर के बारे में, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नेचुरल लेक है जो कि पिंक लेक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी थी ना महाराष्ट्र में, उसी प्रकार की लेक है। सबसे पहला सवाल है आपका जो कि आपके व्हाइट फ्लैग को लेकर है, दूसरा आपके पेट्रोलियम के इम्पोर्ट को लेकर है,
तीसरा मेक इन इंडिया, चौथा वर्ल्ड के विंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और लास्ट है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ किस दिन पहली बार ऑब्जर्व किया गया वो आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव